सही है। और काफ़ी टाइम बाद आपको पता लगेगा द्वारका एक्सप्रेस वे पे क्या क्या काम हुआ है। वैसे देखा जाए तो मिनिमल काम हुआ है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा कोई खास ड्रास्टिक डिफरेंस आया नहीं है। फिर भी सोचा मैंने कि जो आपको एक वीडियो दिखाता हूँ बना के कि क्या क्या अपडेट हुआ है यहाँ पे। ये ब्रिज पहले ही बन चुका था जब इसका उद्घाटन हुआ था, तब से बन के तैयार है ये। यहाँ से कनेक्टिविटी होनी है राइट हैंड साइड पे, लेकिन अभी तक वो कनेक्टिविटी का सबको इंतजार है। देखो ये वाली अभी भी ऐसे ही पड़ी हुई है, सेम कंडीशन, नो इम्प्रूवमेंट। ड्रेनेज बन रहे हैं यहाँ पे, और ये वो रोड है जब आप नजफगढ़ से द्वारका की साइड जाएंगे तो अभी यू टर्न मार के आते हैं सब, और ये वो जगह है जहाँ से वो रैंप डिसेंड करेगा। लेकिन अभी भी देखो इसकी कंडीशन कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे दिसंबर का काम चल रहा है, ये सब दिसंबर हो जाएंगे ये सब, उसके बाद ही यहाँ से कनेक्टिविटी हो पाएगी। और यहाँ पे दो कनेक्टिविटी दी हुई है दूसरे वाले रास्ते पे, वो रॉन्ग साइड चलते हैं लोग, फुल रॉन्ग साइड। इधर से बाम लोली से आने वाले लोग यहाँ पे आके और फिर रॉन्ग साइड अंदर चले जाते हैं। तो ये रोड भी पहले से बन चुका था, मेन जो काम बचा हुआ है वो है बर्दर चौक पे। ये जो यहाँ पे एक कनेक्टिविटी थी पहले, फिर यहाँ पे एक डिवाइडर बना दिया गया इसको रोकने के लिए, लेकिन लोगों ने उसको तोड़ के और दोबारा यहाँ से बाइक वाइक लेके जाते हैं। अब 40 किलोमीटर की स्पीड है यहाँ पे, पास ऑपरेशनल है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, दिल्ली वापस जाना है तो यूज़ कर सकते हो उसको। यहाँ पे आके तीनों रोड मर्ज हो जाते हैं। ऊपर तो स्पीडोमीटर भी लग गए, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा तेज चल रही है तो ज़्यादा मजा आएगा घर पे। अभी आईसीसी की पोल
sih. जाती है लोगों को।